कोलकाता प्रेस क्लब में आम आदमी पार्टी की तरफ से संवाददाता सम्मेलन करते हुए जानकारी दी गई कि देश भर के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी आम आदमी पार्टी की तरफ से मोदी हटाओ देश बचाओ लिखा हुआ पोस्टर कैंपेनिंग चालू किया गया है जो लगातार जारी रहेगा। पूरे देश भर में, सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं, पूरे देश भर में ये कैंपेन चल रहा है। हम लोगों का कैंपेन यही है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। ये कैंपेन हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे, कुछ दिनों पहले दिल्ली में हम लोग देख चुके हैं इस बात को कि कुछ पोस्टर्स लगाने के वजह से कुल मिला के 138 FIR दर्ज किया गया था और 6 आदमियों को अरेस्ट भी किया गया था। तो ये क्यों है? आज हम लोग एक जनतंत्र के अंदर क्या पोस्टर छपवा भी नहीं ला सकते और लगा भी नहीं सकते? तो ये जो हो रहा है, ये कोशिश ये किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई सबका वॉइस को रोक दो, जो विपक्ष है उनको आप जेल में डाल दो, झूठा फर्जी केस बना दो और जेल में डाल दो और सबका मुंह बंद करो। तो ये मुंह बंद करना के विरुद्ध आज हमारा ये पोस्टर कैंपेन चल रहा है। कोलकाता में हर जगह आपको आज ये पोस्टर देखेंगे, हम लोग लगाए हैं, आज भी लगा रहे हैं, अभी भी लगाएंगे और ये चलता रहेगा। ये कितने दिनों तक चलेगा पोस्टर कैंपेनिंग? और ये अभी चलता रहेगा जब तक मोदी जी को ये सुनाई नहीं देगा, ये समझ नहीं आएगा कि नहीं, सिटीजन्स का जो राइट है वो उनको देना चाहिए, तब तक ये चलता रहेगा। ये पोस्टर को कुल मिला के 11 या 12 भाषा में किया गया है और 22 राज्यों में इसे डाला गया है। मेरा नाम है अर्णव मोइत्रो, मैं राज्य का मुखपात्र हूँ, चीफ स्पोक्सपर्सन।